साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों बीएससी इंटरमीडिएट लेवल का जो वैकेंसीज आपको पता होगा कि 12,193 है सेकेंड इंटर स्तरीय, द्वितीय इंटर स्तरीय का जो पोस्ट है कुल मिला के हमारे पास वो है 12,199। ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसका जो सिलेबस है वो आपको पता ही होगा, 150 का क्वेश्चन होता है, 2 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा आपको, जिसमें 50 आपका रीजनिंग का सवाल होगा। देखिए दो चीज़ मैं बताती हूँ, 50 आपका रीजनिंग होगा, 50 आपका जीएस होगा। जीएस में आप कहें तो इसमें जीएस में करेंट अफेयर्स होगा, सीए होगा प्लस स्टैटिक जीके होगा। ठीक है, उसके बाद होगा आपका साइंस होगा 30 मार्क्स का और मैथ होगा 20 मार्क्स का। मीन्स टोटल का टोटल टेक्निकल होने वाला है, मैथ रीजनिंग साइंस। ठीक है, आप साइंस में ये मत सोचिए, आप बेसिक साइंस भी अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको बहुत काम देने वाला है। नहीं तो मैं एक और ऑप्शन बताती हूँ साइंस के लिए स्पेशली, जो साइंस में रेलवे स्पीडी आती है स्पेशल फॉर साइंस का, वो बुक को आप कंप्लीटली कर सकते हैं। उसमें टोटल वन लाइनर क्वेश्चंस होगा और टोटल का टोटल आप उस क्वेश्चन को 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़ जाइए, अभी जो भी वक्त होगा आपके पास उसको 20 बार पढ़ जाइए। रेलवे का देखिए सामान्य अध्ययन भी अगर आपका 50 मार्क्स का है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर कम वक्त है अगर आपके पास तो रेलवे का सामान्य ज्ञान जो है, जो एसपीडी कहते हैं हम, बहुत पॉपुलर बुक है जनरल कंपटीशन वालों के करीब, तो उस बुक को भी पढ़ जाइए। एक सामान्य साइंस का बुक, सामान्य विज्ञान का बुक ले लीजिए और सामान्य अध्ययन का ले लीजिए, ग्रुप डी का नहीं एसपीडी का, वो इनफ होगा आपके लिए। ठीक है, मैथ 20 मार्क्स का होगा और साइंस होगा 30 मार्क्स का। ये साइंस आपका एसपीडी से हो जाएगा, एसपीडी से अगर आप कम समय में कवर करना चाहेंगे तो ये कम्प्लीटली हो जाएगा। रीजनिंग के लिए मैं बताती हूँ, रीजनिंग के लिए एक बहुत अच्छी रामबाण कह सकते हैं उसको। रीजनिंग के लिए क्या करना है कि एसएससी का कोई भी, जैसे कि ग्रेजुएट लेवल हो, इंटरमीडिएट लेवल हो, टायर वन हो, टायर टू, इट डजेंट मैटर, 50 मार्क्स का एसएससी का कोई क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, उसमें 50-50 मार्क्स का सेट दिया हुआ है, सिर्फ एसएससी वाला 50 मार्क्स जितना हो सकता है। अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए हैं तो लाइब्रेरी में जाइए, 50 मार्क्स। तो जो 50 मार्क्स, मैं आपको बताती हूँ कि बीएसएससी इंटरमीडिएट के लिए, क्योंकि 50 मार्क्स का जो रीजनिंग है ये बहुत बड़ा स्कोर है, ये जो 50 मार्क्स है आपका ये बहुत बड़ा स्कोर है। अगर 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं आप, 49 भी नहीं होगा आपका, 50 में 50 कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो, एक भी गलती नहीं होगा। अगर 12,199 में एक पोस्ट आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, आप लाइब्रेरी में अगर चाहे 200 क्वेश्चंस को एवरी डे बनाइए। और साइंस के लिए आपको मैं बताई कि वो रेलवे वाला स्पीडी आपको फॉलो कर लीजिए। मैथ 20 मार्क्स का है तो इतना बात ध्यान रखिए कि मैथ कोई आपका एलियन का सवाल नहीं होगा, थर्ड प्लैनेट से नहीं आने वाला है। ठीक है, मैथ का एवरी डे का, इसमें 50-50 प्रैक्टिस का भी कोई ले लीजिए, किसी का भी, सामान्य आप बीएसएससी का प्रथम स्तरीय हुआ है उसका भी क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, आपका अभी अभी जो सचिवालय ग्रेजुएट लेवल का हुआ है उसका भी मैथ ले लीजिए। आर एस अग्रवाल को अगर मैं तो बोलूँगी आपको एक शब्दों में, आर एस अग्रवाल को आप शुरू से लेकर अभी तक फॉलो कर रहे हैं वो इनफ है आपके लिए बीएसएससी के लिए। ठीक है, तो इतना चीज़ आप कर सकते हैं। करेंट अफेयर्स रोज़ आप देख सकते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं उसमें भी देख सकते हैं, बुक को भी पढ़ सकते हैं। तो आप करेंट अफेयर्स के लिए, जीके जीएस के लिए कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, इसमें यूआर के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 40, यूआर के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा वो होगा 40%। ठीक है, ओबीसी के लिए कितना होगा, ओबीसी के लिए होगा 36.5%। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्या होगा, उसके लिए हो जाएगा 34%। ठीक है, एससी एसटी के लिए क्या हो जाएगा, एससी एसटी के लिए तो 32%। दिव्यांग के लिए क्या होगा, दिव्यांग के लिए तो उसका होगा 32%। ठीक है, और मैं फीमेल की बात करूंगी, फीमेल के लिए मैं बताती हूँ,
जो भी महिला वर्ग की कैंडिडेट्स है, मेरी दोस्त है, मेरी प्यारी दोस्त, एक बात कान खोल के सुन लीजिए, जो फीमेल कैंडिडेट्स है उसको मात्र आपको 32% लाना है, ठीक है। 32% मिस कहने का मतलब 12,199 का में से 32% सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, मतलब 4,000 पोस्ट। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा मौका है। और एक चीज़ और, एक क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो आपका 4 मार्क्स होगा, ऑब्टेनिंग मार्क्स होगा 4 मार्क्स का। तो बहुत बाहर है, बिहार में बाहर है, इस बाहर को लूटना है इस बार। आपका, आपके लिए 2024 बहुत ही शुभ शुभ होने वाला है। सिर्फ आपको डूब करके पढ़ना होगा, आपको अपने आप को फोकस रख के पढ़ना होगा, माइंड को इधर उधर नहीं। अगर लाइब्रेरी में पढ़ते, सेल्फ स्टडी ही आपको काम देने वाला है। थोड़ा कोचिंग क्लास को कम कर लीजिए, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। मैं मैथ साइंस रीजनिंग जीके जीएस कोशिश होगा, मैं खुद एक सेशन दे रही हूँ इन सारी क्लास का। अगर आप कंटिन्यू मेरे चैनल्स को विजिट करेंगे तो आप पाएंगे कि सारा कुछ आपको अवेलेबल होगा। लेकिन फिलहाल मैं जो चीज़ मैं बता रही हूँ वो इनफ है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियोज़ में इतना ही। अगले वीडियोज़ को देखने के लिए हमें तो लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर भी करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।